नाच के पागल और नाच के पागल हो जाओ, जहाँ पर मिले खटिया चद्दर तान के सो जाओ, नाच के पागल हो जाओ स्कूल के मारो। 3, 2, 1। अरे भाई आज ना अंधेरा क्यों है? आज ना कुछ नया होने वाला है। नया? बिल्कुल। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर बैक विद अनदर वीडियो, डेयर वीडियो। ताकि आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो में हमारे कहने पर इतने सारे डेयर दिए कमेंट सेक्शन में, भाई मजा आ गया पढ़ के। काफी सारे डेयरिंग थे यार, सब के सब कमेंट्स। तो गाइस मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरे जो ऑडियंस है ना वो बहुत ही ज्यादा डेयरिंग होंगे। और श्रेया पांडे जी ने तो ज्यादा ही हद कर दी यार। वीडियो बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग, फनी और मस्ती से भरी होने वाली है। तो बने रहे हमारे साथ एंड तक और देखो किस किस का नाम आया है और हमने डेयर्स कैसे कंप्लीट किए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस मैंने ना अभी ये कुछ स्लिप पे नोट डाउन कर रखे हैं, बहुत सारे कमेंट हैं जो डेयर दे रखे हैं लोगों ने मेरे को, इतने सारे डेयरिंग दोस्तों ने। तो अभी मैं इनको फोल्ड करूंगा, ऐसे फोल्ड कर देंगे इसको और उसके बाद रैंडमली टेबल से उठाएंगे। फर्स्ट तो गाइस मैंने ये स्लिप है ना पूरी फोल्ड कर रखी है और अब मैं एक काम करूँगा, इनको रैंडमली ऐसे डाल दूंगा, उसके बाद एक चूज करूंगा, जो भी डेयर आएगा मैं वो करूंगा कंप्लीट। तो देखते हैं। तो अभी मैं इनमें से चूज करूंगा श्रेया पांडे। इन्होंने क्या लिखा है? ईट फैंटा मैगी फुल बाउल, मैगी के साथ हमें अत्याचार सहन नहीं करेंगे श्रेया पांडे, हाय हाय श्रेया पांडे, हाय हाय। लेकिन ये तो डेयर दे रखा है ना, हमें करना पड़ेगा। तो गाइस चलते हैं अभी फैंटा मैगी बनाने, करते हैं टेस्ट कैसी लगती है फुल बाउल खाने के लिए। और बोले बाउल को तो छोड़ दूंगा, ऑनली मैगी में ही खाऊंगा। चलो तो डेयर को करते हैं स्टार्ट मैगी के साथ, मेन इंग्रेडिएंट फैंटा के साथ और हमारे पबजी वाले वेपन के साथ। तो आ जाओ, आप लोग डालते होंगे पानी भाई, लेकिन फैंटा डालनी पड़ रही है। सही में मैगी के साथ इतना बड़ा अत्याचार, माफ कर देना देवी जी हमें। अरे दादा मेरे को तो पहले से ऐसी फीलिंग आ रही है क्या ही जहर बनने वाला है। no, जहर ही no, बनेगा no, नहीं। We'll be driving down state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be. इसमें यार इतनी बेकार स्मेल आ रही है इसमें यार, पता नहीं क्या होगा खाने के बाद। सुबह पता नहीं क्या क्या निकलने वाला है। हलवे जैसी दिखने वाली मैगी रेडी है। भाई जितनी गंदी इसकी स्मेल है ना उतनी दिखने में टेम्पटिंग है ये। तो करते हैं स्टार्ट। इतना प्यारा सा कलर आया एकदम गाजर के हलवे जैसा। गाजर का हलवा चाशनी। ठीक क्या 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 मीठी अलग से जा रही है। बता रहा अलग से जा रहा है मुंह के अंदर ना, जैसे अपन जैसे अपन जलेबी लेते हैं ना, जलेबी खाते हैं तो बिल्कुल रसमलाई जैसी हो जाती है ना, इतना मीठा लग रहा है ना यार। डेयर नहीं होता ना मैं कसम से इसे फेंक देता अभी, इतना गंदा लग रहा है। छी यार। नो 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 नो। टेस्ट करके बता, बहुत मस्त लग रही। मैंने तो खाई भाई, बहुत मस्त है। कल से तो दिखने में भाई टेस्टी सी है, मतलब सुंदर सी लग रही है एकदम, ऐसे हलवे जैसी है ना। चेक कर, अच्छी लग रही है, अतिया गरम नहीं है। क्या हुआ क्या हुआ? अरे बहुत अच्छी है। सीरियसली इसका टेस्ट मतलब इतना ज्यादा डाइवर्जिंग है कि इसका मीठा कहीं और ही जा रहा है भैया, दूसरी दिशा में, और फिर आता है चटपटे का स्वाद।
ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें खाते ही ना मुंह के अंदर मीठा मीठा लग रहा है, चाशनी जैसे अपन खाते हैं कुछ ऐसे बूंदी वगैरह खाते हैं तो वो है ना, ऐसा लग रहा है कि बूंदियों में ना हमने मैगी मसाला डाल दिया है। पता है एक बात बोलूं, इसको ना श्रेया को भी खिलाना चाहिए। हाँ श्रेया, वी आर इनवाइटिंग यू, हमारे घर आ जाओ ये मैगी खाने, फेंटा मैगी खाने के लिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट डेयर पे और अपन उठाते हैं पर्ची कि नेक्स्ट डेयर अपन को कौन सा करना है। तो उठाते हैं अपन इनमें से कोई पर्ची, अब कौन सी उठानी चाहिए, कौन सी उठानी चाहिए, ये वाली उठाते हैं। अब अपन करते हैं नेक्स्ट डेयर को कंप्लीट। अभी अपन लोगों ने देखा कि ये जो तीनों डेयर हैं, एक है प्रसून हिंडोन, इनका एक चैनल है द वॉइस ऑफ सुरत, और आशीष गोयल और ये डुक्कू सिंह, इन्होंने जो डेयर दिए हैं ये तीनों के तीनों डेयर है ना वो बाहर करने के हैं आउटर में। तो अभी चलते हैं अपन बाहर और करते हैं डेयर कंप्लीट और करेंगे बहुत सारी मस्ती। ये प्रसून भाई, जैसा कि आपने बोला था हम लोग आ गए हैं अभी ये पब्लिक प्लेस में नाच के पागल होने के लिए। तो कहते हैं स्टार्ट जैसा कि आपने बोला था। मैं पहले बता दूं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग हैं, मैं दिखाती हूँ एक मिनट। पूरा पब्लिक एरिया है यहाँ पर, बहुत सारे बाइक वगैरह रखी हैं और लोग भी हैं यहाँ पर जो आते जाते रहते हैं, बच्चे भी हैं। तो गाइस मेरे को अभी गाना पड़ेगा और मैं अभी नाच के पागल हो जाऊँगा। मुझे लगता है ढिंचक पूजा जी तो हो गई थी, मैंने देखा था जैसा कि उनका सॉन्ग सुना था। तो प्रसून भाई मैं आपका डेयर कर रहा हूँ कंप्लीट। यहाँ पर पब्लिक एरिया है आप देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे भी हैं जो खेल रहे हैं। और अभी भाई मैं नया हूँ, ठीक है ना, तुझे पता है यार, ठीक है ऐसे ऐसे डेयर देता है, बस मैं कर रहा हूँ कंप्लीट, अब कर रहा हूँ। तो मैंने सुना था इस वो क्या नाम उनका ढिंचक पूजा जी है ना, वो नाच के पागल हो जाओ ऐसे ऐसे, भाई उनकी लिरिक्स का तो पता ही नहीं। तो करता हूँ स्टार्ट और नाच के पागल हो जाओ। और नाच के पागल जहाँ पे मिले खटिया चद्दर तान के सो जाओ, नाच के पागल हो जाओ जहाँ पे मिले खटिया चद्दर तान के सो जाओ, स्कूल की मारो छुट्टी ट्यूशन तुम मत जाओ, पान की दुकान खोलो चूना सबको लगाओ, नाच के पागल हो जाओ, होली पे फोड़ो पटाखे दिवाली पे नलाओ, नाच के पागल हो जाओ। तो गाइस मेरी इतनी अच्छी आवाज़ है नहीं, और ढिंचक पूजा जी ने भी ना इतना अच्छा गाना गाया नहीं था लिरिक्स के साथ में, तो बस जितना था वो मैंने कर दिया। अब करते हैं नेक्स्ट डेयर स्टार्ट। तो नेक्स्ट डेयर है भाई आशीष गोयल का, जो कि हिंडोन से हैं और उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा। तो अभी करता हूँ डेयर स्टार्ट। उन्होंने क्या कहा था पता है आपको, डिस्प्ले में दिख जाएगा, उन्होंने बोला था हाथ नीचे करके पैर ऊपर करके चलना है भाई। अब उनका तो पूरा विचार लगता है मुझे कि वो ना मेरी कमर को तोड़वाना चाहते हैं। वो मुझे चाहते हैं कि मैं पलंग पर से उठूँ ना, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन अभी मैं डेयर कम्प्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये पकड़ो, You can do it. Come on. भाई ऐसा ना हो जाएगा मैं साइड के गिर जाऊं। ये देखो ये बच्चे इतने हंस रहे हैं। 3, 2, 1. बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हरकत के बाद लड़का फंस गया। बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ से आए हैं पागल से। फाइनली हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल आखिर पे, मतलब फाइनल डेयर कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारा ना मतलब ऐसे माइक लेके तो पहला ही वीडियो है पब्लिक प्लेस पर, तो चलो चलते हैं। Quack.
पावा जी कहानी है ना तुझे पावा जी नहीं है भैया से रिक्वेस्ट कर ले बना दें भैया बना दोगे क्या वाओ शेयर भी करना नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बाय गाइस hey.